सो रियलमी बर्ड्स T300 1800 से 2000 रुपए के बीच में मिल रहे हैं अभी मार्केट में, एंड बोट निर्वाणा आयोन ANC 2000 से 2500 रुपए के बीच में मिल रहे हैं। दोनों ही TWS में आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है, एंड दोनों के ही बेस्ट बैंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके केस के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। तो भाई लुक वाइज तो बोट निर्वाणा आयोन ANC मुझे ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन अगर बिल्ड क्वालिटी एंड फील की बात करूं तो यहाँ पे बर्ड्स T300 ज्यादा प्रीमियम फील होते हैं एंड ज्यादा बेटर बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं। और हाँ, T300 काफी छोटे TWS हैं, मतलब TWS भी छोटे हैं और उनका केस भी छोटा है, सो उनको कैरी करना रिलेटिवली ज्यादा इजी है। तो केस के मामले में तो मुझे T300 बेटर लगे। एंड हाँ, दोनों ही केसेस में आपको टाइप सी पोर्ट, LED इंडिकेटर एंड पेयरिंग बटन मिल जाते हैं। TWS के बिल्ड क्वालिटी एंड लुक्स की अगर बात करें तो यहाँ भी लुक्स के मामले में निर्वाणा आयोन ANC ज्यादा अच्छे दिखते हैं, लेकिन बिल्ड क्वालिटी एंड प्रीमियमनेस के मामले में T300 ज्यादा बेटर लगे। और अगर फिट और कंफर्ट की बात करूं तो यहाँ पे T300 मुझे पर्सनली मच बेटर वे में फिट हुए एंड ज्यादा कंफर्टेबल लगे। निर्वाणा आयोन ANC मुझे बिल्कुल भी अच्छे तरीके से फिट नहीं हुए। एक चीज मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, जो निर्वाणा आयोन ANC है वो थोड़ा बड़ा है साइज में, जिसकी वजह से अगर आपके कान मेरे जैसे छोटे हैं तो आप इनको मत खरीदना, इनकी फिट अच्छी नहीं आएगी। फिर आप ये मत बोलना कि किसी ने बताया नहीं। स्पेक्स की अगर बात करूं मैं तो T300 में आपको IP55 की रेटिंग मिल जाती है एंड 12.4 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं। निर्वाणा आयोन ANC में आपको IPX4 की रेटिंग मिलती है एंड 10 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं। निर्वाणा आयोन ANC में लेकिन आपको इन ईयर डिटेक्शन मिलता है, जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है एंड इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो इस फीचर को बेसिकली इनके ऐप में। और एक चीज मैं बता दूं, T300 में भी आपको ऐप सपोर्ट मिल जाता है। सो दोनों ही TWS के ऐप सपोर्ट हैं एंड काफी बढ़िया हैं, लेकिन अगर मुझे किसी एक को चुनना पड़े तो यहाँ पे Realme Link ऐप मुझे ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। बाकी टच जेस्टर्स के मामले में दोनों ही TWS एकदम कमाल के हैं, स्मूथ एंड एक्यूरेट टच जेस्टर्स मिलते हैं, इनको आप फर्दर कस्टमाइज कर सकते हो इनके रेस्पेक्टिव एप्स में। कनेक्टिविटी की बात करते हैं, सो दोनों की रेंज बहुत बढ़िया थी एंड दोनों में कनेक्टिविटी इशू कोई भी नहीं था एज सच। प्लस अगर स्पेक्स पे नजर डालूं तो ब्लूटूथ 5.2 मिल जाता है निर्वाणा आयोन ANC में एंड ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है T300 में, लेकिन निर्वाणा आयोन ANC में जो डुअल पेयरिंग मिलता है वो बहुत कमाल का है, मतलब इतना सीमलेस है एंड ऑटोमेटिक स्विच के साथ आता है। वहीं पे जो T300 है उसमें आपको डुअल पेयरिंग मिल तो जाती है, बट आपको मैनुअली स्विच करना पड़ेगा दो डिवाइसेस के बीच में। सो इस मामले में निर्वाणा आयोन ANC बेटर है। अब बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी के बारे में। सो निर्वाणा आयोन ANC अच्छे हैं ऑडियो में एंड आपको म्यूजिक आउटपुट काफी एंजॉयबल लगेगा। बेस थोड़ा फीका है एंड मडी है, बाकी ट्रेबल एंड वोकल्स अच्छे हैं T300 में, लेकिन बेस वोकल ट्रेबल तीनों ही बेटर है निर्वाणा आयोन ANC से एंड बेस मोड में आपको बेस बेटर मिलता है एंड नॉर्मल मोड में आपको ट्रेबल और वोकल्स अच्छे मिलते हैं। ओवरऑल ज्यादा लाउड भी हैं ये एंड म्यूजिक ज्यादा रिच भी है व्हेन कंपेयर टू निर्वाणा आयोन ANC। और अगर खाली ANC की बात करूं तो जो निर्वाणा आयोन है उनमें क्लियरली मेंशनड है अप टू 32 dB ANC एंड जो T300 है उनमें भी अप टू 30 dB का ANC मिल जाता है। बट ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, निर्वाणा आयोन ANC का जो ANC है वो बहुत वीक है, प्रोबेबली वन ऑफ द वीकेस्ट ANC है। मुझे इसका ANC एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। T300 का भले ही 30 dB का ANC आ रहा है, आपको लगेगा 2 dB कम ANC है, लेकिन स्टिल मच बेटर ANC वर्क करता है इनमें व्हेन कंपेयर टू निर्वाणा आयोन ANC। सो ANC के मामले में T300 वे बेटर है। और हाँ, ट्रांसपेरेंसी मोड भी सेम तरीके से काम करता है, सो इस मामले में भी T300 बेटर है। सो लेटेंसी की बात करते हैं, दोनों ही TWS में काफी कम लेटेंसी मिलती है, जिसके हेल्प के थ्रू आप गेमिंग वगैरह आराम से कर सकते हो, लेकिन T300 में आपका एक्सपीरियंस हल्का सा बेटर रहता है क्योंकि लेटेंसी आपको हल्की सी और कम फील होती है देन निर्वाणा आयोन ANC। प्लस क्लैरिटी भी बेटर है। सो गेमिंग के लिए इन दोनों में से अगर किसी एक को चुनना पड़े, आई वुड गो विथ T300। सो गाइज, अभी कॉलिंग के बारे में बात करते हैं। कॉलिंग दोनों ही TWS में काफी बढ़िया है, लेकिन मैंने इंडोर कंडीशन में ये नोटिस किया, कभी कभार ऐसा हो रहा था जो निर्वाणा आयोन ANC है वो बेटर फंक्शन करते हैं कॉलिंग के दौरान। लेकिन जैसे आप आउटडोर कंडीशन में हो, वहाँ पे मान लो नॉइजी एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे T300 थोड़ा सा बेटर काम करेगा। वैसे ये रही मेरी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग, आप सुन लो, आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा। हाय ब्रो, सो अभी मैं इंडोर कंडीशन में हूँ और जो TWS में अभी टेस्ट कर रहा हूँ, दीज आर रियलमी बर्ड्स T300, अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुए थे ये और 2200 रुपए के आसपास में मिल रहे हैं ये। तो तुझको भी मेरी आवाज कितनी अच्छे से सुनाई दे रही है। तो अभी मैंने पंखा ऑन कर दिया है और जो फैन है वो फुल स्पीड पे है, मैं पंखे के नीचे खड़ा हूँ, इंडोर कंडीशन ही है, बैकग्राउंड में कोई भी शोर शराबा कुछ नहीं है। तो तुझको अभी मेरी आवाज कितनी अच्छे से सुनाई दे रही है। आई यू स्टिल एबल टू मेक आउट की मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं एक बार ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर रहा हूँ। तो बैकग्राउंड में मैंने ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर दी है।
तो अभी मैं मतलब इंडोर कंडीशन में ही हूँ, बट बैकग्राउंड में मैंने ट्रैफिक की मास्क स्पीकर से ऐड कर दिया, तो किसको अभी मेरी आवाज़ कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? आई यू स्टिल एबल टू मेक आउट कि मैं क्या बोल रहा हूँ? और जो बैकग्राउंड में ट्रैफिक की आवाज़ है, इट इज बिटवीन 60 डेसिबल टू 90 डेसिबल, ठीक है? तो किसको अभी मेरी आवाज़ कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? फिर जो एकदम शार्पेस्ट हॉर्न वो ही पहुंच रहे हैं यहाँ तक। तेरी आवाज थोड़ी सी वियर्ड तो हुई है, बट फिर समझ ना आ रहा है क्या बोल पाते हैं। हाय, सो ये जो अभी मैं TWS टेस्ट कर रहा हूँ इस कॉल के दौरान, दीज आर बोट निर्वाणा आयोन ANC, ये सक्सेसर हैं बोट निर्वाणा आयोन के। तो ये अभी जो सिनेरियो है कॉलिंग का वो बेसिकली इंडोर्स का है, मैं अपने रूम के अंदर खड़ा हुआ, तो तुझको अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है। सो अभी मैंने फैन ऑन कर दिया है, बाकी सारा कंडीशन सेम है, मतलब मैं इंडोर्स में ही हूँ बट फैन फुल स्पीड पे चल रहा है एकदम, और मैं पंखे के एग्जैक्टली नीचे खड़ा हूँ, तो तुझको अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही। हेलो। तो मैंने अभी ट्रैफिक की नॉइज बैकग्राउंड में ऐड कर दिया, तो तुझको अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? मतलब मेरी आवाज अभी भी ऊपर है या ट्रैफिक की आवाज ओवर पावर है? और ज्यादा टीनी होगी ट्रैफिक की आवाज। और ट्रैफिक की नॉइज जो है वो बैकग्राउंड में? नहीं, मिक्स हो जा रही है तेरे साथ, लाइक तेरी आवाज ट्रैफिक की आवाज सेम ही लेवल का ऑलमोस्ट। सो दोस्तों, अब बैटरी बैकअप के बारे में बात करते हैं। अब इस बैटरी बैकअप के डिपार्टमेंट में भाई निर्वाणा आयोन ANC का कोई मुकाबला नहीं। सिंगल चार्ज में 15 घंटे से भी ज़्यादा का बैकअप दे देते हैं, एंड ओवरऑल केस के साथ 80 आवर्स प्लस 90 आवर्स प्लस का बैटरी बैकअप मिल जाता है, एंड फास्ट चार्जिंग भी है। वहीं पे अगर मैं T300 की बात करूँ तो सिंगल चार्ज में 5 to 7 आवर्स की आपको बैटरी बैकअप मिल जाती है, एंड ओवरऑल जो बैटरी बैकअप है केस के साथ वो 35 आवर्स के जस्ट थोड़ा ऊपर मिलता है। तो भाई बैटरी बैकअप में तो निर्वाणा आयोन बेस्ट है, उनका मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है T300 के साथ। सो बैटरी बैकअप अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो निर्वाणा आयोन आपके लिए बेस्ट रहेंगे। सो फाइनली, अगर मुझे इन दोनों में से किसी एक TWS को चुनना पड़े, मैं अपने पैसे खुद लगा रहा हूँ, तो आई वुड गो विथ T300। लेकिन अगर आपके लिए बैटरी बैकअप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी TWS में, देन आप निर्वाणा आयोन ANC ले सकते हो। वैसे मैंने दोनों ही TWS के बेस्ट बाइंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जो कि लाइक बटन सब्सक्राइब बटन के नीचे है, जाके चेकआउट कर लेना। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।